We are approximately 3 minutes away from the predicted time when the spacecraft telemetry would reach the ground station, and we would be able to see in real time what has happened and the burn parameters. Of course, this is expecting a very nominal scenario where the lamp and all the thrusters have fired as expected. दरअसल ये सारी जानकारियां उपग्रह स्वायत्तता के हिसाब से अपने आप इन सीक्वेंसेस को, इन गतिविधियों को लोड करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और इस तरह से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी इंटरफेरेंस के सारी गतिविधियां अबाध रूप से जारी हैं। इस समय अकल्टेशन समाप्त हो चुका है और हम केवल एंटीना के घुमाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो भी ऑटोमेटिक होगा क्योंकि ये भी कमांड कंप्यूटर में लोडेड है। केवल हम 1 मिनट 43 सेकंड की दूरी पर इस महत्वपूर्ण क्षण से। हर निगाहें आंकड़ों पर, हर धड़कन बेहद तेज, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हर आंकड़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करें। सभी निगाहें केवल उन दृश्यों को देखती हुई जहां पे हमें महसूस होता है कि हम इन अपेक्षित आंकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 1 मिनट की दूरी और जब एंटीना भूकेंद्र की तरफ घुमा दिया जाएगा, लगभग आधे घंटे प्रज्वलन के बीत चुके हैं। तरल इंजन ने अपेक्षित रूप से निष्पादन दिया, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अब आंकड़ों को प्राप्त के बाद उनका अध्ययन करें, और तब ये महसूस हो कि हमने कितनी सफलता हासिल की है। केवल लगभग 30 सेकंड और जब एंटीना पृथ्वी की ओर घुमा दिया जाएगा, यही अनुमानित समय है। Before the occult start, we had recorded an accelerometer delta V of 177.4 meters per second. The target delta velocity to be achieved is 1098.7 meters per second. And we are now the end of the occult period with the antenna. इसरो के चेयरमैन की गतिविधियों को देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री तालियों से बधाइयां देते हुए। ये निश्चित रूप से बहुत गर्वान्वित क्षण है, निश्चित रूप से ऐसे क्षण है जिसको समूचा राष्ट्र बहुत लंबे समय तक याद करेगा। And you can see the excitement among all the scientists. They are all having beaming faces, smiles from year to year, and congratulating each other on the performance of this much awaited event, the Mars orbit insertion. You can imagine the Mars orbital mission near the Mars planet after this Mars orbit insertion maneuver, the result of the hard work of the entire MOM team, the entire organization, and so many people associated with this event.